बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब, दे रहा हूँ, इसके बाद दे रहा हूँ जी। स्पीकर साहब, आज मुझे एक चीज पे खुशी हुई, जब मैं एवान में एंटर हुआ तो अपोजिशन ने काली पट्टियां बांधी थी, मैं समझा कि देर से सही कश्मीर के साथ इजहारी यकजहती कर रहे हैं और भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे बैठा तो अंदाजा हुआ, जैसे यहाँ पे बैठा अंदाजा हुआ कि अपना रोना रोया जा रहा है। स्पीकर साहब, नैब के हवाले से नैब का तर्जुमान का मौकफ आ जाएगा, उसके हवाले से हमने इस ऐवान में कोई बात नहीं करनी। कानून मौजूद है, नैब का इदारा आपके सामने आजाद है और आप ही ने नैब के चेयरमैन का इंतखाब किया था। कोई भी पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे उसका किसी भी तबके से ताल्लुक हो, अगर सवाल होता है कि ये आपका जराए आमदन था और इससे हटकर आपके पास ये पैसा कहां से आया, तो जवाब देना चाहिए। आज पार्लियामेंट में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी बाहर जो तकरीरें हुई स्पीकर साहब, पार्लियामेंट के बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब आज सऊदी अरब जा रहे और फिर यूएन जनरल असेंबली में खिताब करेंगे। स्पीकर साहब, हमें बात करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी कि आज हम यहां से ये पैगाम दे दें कि पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान का पूरा पार्लियामेंट अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हम कड़े हैं और इंशाल्लाह कश्मीर की आजादी तक हम अपनी सियासत से बालातर होकर उनके साथ कड़े होंगे। स्पीकर साहब, एक और चीज आ रही है, एक और चीज ये कि आपने देखा कि एक सिंध की वजीराला का बयान मैंने परसों यहां पर हवाला दिया, फिर बिलावल जरदारी का बयान कि कभी सिंधु देश की बात होती है, कभी सराय की देश की बात होती है।